ये काफ़ी अच्छे बाहर नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, 5% और 10% डिस्काउंट। मार्केट में ये क्वालिटी की वायरिंग आपको नहीं मिलती। पावर प्लांट है ये मोटरसाइकिल का जी, फ्यूलिंग है जो आपकी मोटरसाइकिल के फ्यूल कंजम्पशन बेहतर रखती हैं। बड़ी टिप है, सुई तरह की है। इसने आगे करंट देना है प्लग को। ये मेड इन जापान जेन्युइन। अस्सलाम वालेकुम मखदूम भाई, क्या है, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत ही करम है। तो मखदूम भाई आज क्या दिखा रहे हैं, जो हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं? जी फैसल भाई, आज हम एक तो टैंकी टॉप पे दिखा रहे हैं जो 21 मॉडल के हमारे पास अवेलेबल हैं। सो सही है, और 125 दोनों, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे बाहर नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, पीछे उसकी कुछ शॉर्टेज चल रही थी, अब दोबारा से कुछ रूटीन में आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। तो कौन से मॉडल के अवेलेबल हैं, सबसे पहले मेरे दोस्त ये जानना चाहेंगे। ये 21 मॉडल के हैं जी। ठीक है, और ये भी 21 मॉडल का, ये 70 है और ये 125 है। सही है, ठीक है। ये मेरे दोस्तों को एटलस होंडा के जेन्युइन मिलेंगे। हाँ, जो कि कंपनी से मिलते हैं, लोकल नहीं है ये, होंडा से जो आते हैं ना ये, वो। ठीक है, तो क्या प्राइस होगी इनकी? 125 का 10,500 है जी। ठीक है, ये 125 लाल ले लें, काला ले लें, प्राइस सेम है। प्राइस सेम है, ठीक हो गया। और इसमें टंकी मोनोग्राम शामिल है साथ। सही है, 70 का 9,500 है। ठीक है, इसमें भी लाल काला दोनों कलर अवेलेबल होते हैं। इस पे मोनोग्राम लगे नहीं हुए, लेकिन इसकी के अंदर शामिल है। शामिल है वो, साथ मिलेंगे आपको, ओरिजिनल। ठीक है, मैं ये दोस्तों को टापे की इनर से दिखा दूँ। ये देखें, ये होता वाइट है मगर अंदर स्प्रे किया हुआ है कलर का। ये जेन्युइन है, अच्छी क्वालिटी में है, भारी टंकी होगी। सही हो गया। हाँ जी, और दूसरे नंबर पे आप कुछ ऑफर के बारे में बताना चाहेंगे? जी, हम रमज़ान में अपने जो नाज़रीन है ना, बल्कि सबके लिए ये ऑफ़र दे रहे हैं, जो कि सिर्फ होम डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए होगी। सही है, 5% और 10% डिस्काउंट आइटम के हिसाब से। कुछ आइटम में 5% डिस्काउंट होगा, कुछ आइटम्स में 10%। इसमें कितने मिलेगी जो हम दिखा रहे हैं? इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप करें, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, पास होगी तो फिर देंगे आप। ये सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। कब तक है ये ऑफर? ये थ्रू आउट रमज़ान चलेगी जी हमारी, और पूरा रमज़ान चलेगी, पूरे रमज़ान में ईद तक हम ये चलाएंगे। ठीक हो गया, तो ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप नंबर मखदूम भाई का स्क्रीन पे चल रहा है, पीछे मुकम्मल डिटेल ये भी लिखी हुई है। उसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, और भी बहुत सी लाता चीज़ें हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, एड्रेस होंडा की ओरिजिनल, वो नीचे वेब पेज पे ना मिले, आप हमें रब्ता करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। ठीक है, जेन्युइन सामान होंडा से अगर आता है तो आपको इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। ठीक है, मोटरसाइकिल की सबसे ज़रूरी चीज़, जिसने हर चीज़ को सही चलाना है, पूरा करंट पहुँचाना है, जो जिस पुर्जे को जो करंट चाहिए, जिसका CDI यूनिट है, ठीक है, उसको सही करंट मिलेगा तो वो आगे इग्निशन सही चलाएगा आपका। सही है, तो उसका सारा इन्हिसार होता है कि आपकी वायरिंग जो है मोटरसाइकिल की वो बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, मार्केट में ये क्वालिटी की वायरिंग आपको नहीं मिलती, कोई और नहीं बनाता। सही है, ये इसके अंदर जो वायर भी यूज़ हुई होती है वो होंडा की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होती है। ठीक है, मार्केट में अगर आपको कॉपर की मिलेगी भी तो वो इस गेज की नहीं होती। सही है, वो उसके अंदर कॉपर की तारें कम होती हैं, फ़र्क होता है। हाँ जी, ज़्यादा तो बिकती हैं जो एलुमिनियम की होती हैं। एलुमिनियम की थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाती है, पाउडर पाउडर सा बनना शुरू कर देता है उसका। सही है, इसके अंदर फ्यूज़ होता है। हाँ जी, ये उसकी डब्बी है। सही है, ये आप देखें, आपको कॉपर नज़र आ रहा है, मैंने इसको खोला इसीलिए है कि आपको वायरिंग की कॉपर नज़र आ जाए। बिल्कुल सही हो, और से काट के नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, वो वायरिंग ख़राब हो जाए। हाँ जी, सही है। तो ये कौन सी बाइक की है? ये 70 की है जी, 70 न्यू मॉडल की। क्या प्राइस होगी इसकी? ये 1700 रुपये की। ठीक है, अच्छा, जिन दोस्तों ने जो भी वायरिंग लेनी है, ऑर्डर करना है, वो अपना मॉडल ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि आपको सेम चीज़ मिले, क्योंकि मॉडल में फ़र्क है, हर मॉडल में फ़र्क है। ये वो होंडा 125 की न्यू मॉडल की आपको दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन। सही है, और इसकी मोटाई चेक कर लें, इसकी ये चीज़ भी देखें क्वालिटी। सही है, बिल्कुल एक्यूरेट किस्म के लगे हुए हैं इसके अंदर। हाँ, थिम्बल वगैरह जितने भी हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे कॉपर नज़र आएगा ज़रूर। सही है, आ रहा है रेड कलर का। क्या प्राइस होगी इसकी? ये भी 1700 रुपये की है जी। ठीक है, उसके बाद? इसके बाद हम आपको बाकी सारी खोल के नहीं दिखाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बता देते हैं कि जी कौन कौन सी मोटरसाइकिल की है और क्या रेट है उसका। ये 125 सलफ वाली, इसका 3300 रुपये रेट है। ठीक है,
ये 125 ओल्ड मॉडल यूरो 2 से पहले, ठीक है, इसका 2100 रुपये रेट है जी। सही है। और ये 150 की आ गई, ठीक है, ये 4600 रुपये की है। सही है। ये डीलक्स की है 3500 रुपये की, ठीक। ये 70 ओल्ड मॉडल आ गई 1700 रुपये की। सही। और ये प्राइडर की है 1950 रुपये की, ठीक है। यहाँ से आपको तकरीबन पूरी जो रेंज इस वक्त जेन्युइन वायरिंग की है अवेलेबल, वो आपको हमने दिखाई है। सही है। करंट का सही फ्लो करने के लिए जेन्युइन वायरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वायरिंग आपकी ठीक नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें आपकी मोटरसाइकिल सही नहीं चलेगी। सही नहीं चलेगी। उसके बाद ये बैटरी आ जाती है। पावर प्लांट है ये मोटरसाइकिल का जी। बिल्कुल। लेकिन बैटरी सही होगी तो आपका करंट सही निकलेगा। सही। पूरी मोटरसाइकिल में करंट सही जाएगा आपका। ठीक है। जेन्युइन बैटरी के ऊपर ये होंडा का लोगो लिखा होता है। सही है। AGS से तो बनवाते हैं ये, लेकिन मिल के दोनों काम कर रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, ये AGS से बनवा रहे हैं। सही है। होंडा जो कंपनी है, ठीक है। और इसके अंदर वारंटी की गारंटी होती है, ठीक है। साथ इसके ये तेजाब की बोतल भी है। सही है। बैटरी को चार्ज करवा लेना चाहिए फर्स्ट टाइम, इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। लाइफ बेहतर लेने के लिए एक दफ़ा चार्ज शुरू में नई बैटरी को चार्ज करवा लेना चाहिए। सही। क्या प्राइस होगी इसकी? इन्होंने लिखा भी होता, ठीक है। ये 850 रुपये की है जी। सही है। साथ इसका गारंटी कार्ड है 6 महीने। कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा? बिल्कुल अवेलेबल है जी, COD कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी या कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं मखदूम कॉर्पोरेशन का, अगर आप आना चाहते हैं तो नीचे गूगल मैप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रीडायरेक्ट होकर यहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जनाब, अब आपके नाज़रीन को हम अपने दिखाते हैं जी, जो मोटरसाइकिल के करंट के साथ रिलेटेड सबसे चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपकी मोटरसाइकिल के फ्यूल कंजम्पशन बेहतर रखती हैं, उसकी पिक बेहतर रखती हैं। हर पुर्जा अपनी जगह पे ज़रूरी है, एक पुर्जा भी ख़राब हो जाए वायरिंग समय, ठीक है। वायरिंग ने इन सब जगहों पर करंट पहुँचाना है, सही है, ठीक है। इनको सही करंट पहुँचेगा, ये आगे सही करंट देंगी, सही करंट देंगी तो स्पार्क प्लग को सही करंट मिलेगा, स्पार्क प्लग को सही करंट मिलेगा, ठीक है, तो आपका स्पार्क ठीक होगा। सही। स्पार्क ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि आप स्पार्क प्लग भी सही क्वालिटी का लगाएं। ये जेन्युइन प्लग NGK कंपनी का होंडा से 70 और 125 के आते हैं, ठीक है। ये 350 रुपये का प्लग है। सही है, ठीक है। ये जेन्युइन है, ठीक। 125 का भी जेन्युइन आता है, ठीक है। इसी क्या प्राइस होगी? ये भी 350 रुपये का है जी। सही है। ये पॉइंटर का प्लग है 125 पॉइंटर का, ठीक है। ये 450 रुपये का है। सही। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल प्लग हैं जो कि आपकी मोटरसाइकिल की फ्यूल कंजम्पशन उसकी एवरेज को बेहतर करते हैं, प्लस उसके पिक को भी बेहतर करते हैं, ठीक है। ये 70 के लिए है, इसको जी पावर प्लग कहते हैं। सही, ठीक है जी, ठीक है। इसके अंदर इसकी टिप देखें आप, बारीक टिप, बारीक टिप है, सुई तरह की है। कस्टमर आके हमें कहता है जी बारीक टिप वाला प्लग दे दो, तो ये वो वाला है? ये वो वाला है, ठीक है। इसमें चाइना भी मिलते हैं, उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं होती। सही है, ठीक है जी। इसी में 125 का भी आता है। क्या प्राइस होगी इसकी? ये 650 रुपये का है जी। सही है। 125 का भी आता है, ये भी सेम टिप के साथ है। हाँ जी, मैं आपको नॉर्मल प्लग के साथ इसका फ़र्क भी दिखा देता हूँ, इसकी टिप देखें दोनों की, चेक करें। इसकी बारीक टिप है और ये मोटी टिप है, स्टैंडर्ड टिप होती है। सही है। ये जेन्युइन प्लग स्टैंडर्ड टिप वाला और ये स्पेशल प्लग बारीक। क्या प्लग कितने का होगा? वो भी 650 रुपये का है जी। सही है। इसके बाद हमारे पास एक जो स्पेशल 150 का प्लग आता है, ये सिर्फ 150 में लगता है। सही है। ये 1250 रुपये का है जी, ठीक है। ये भी NGK कंपनी का। और दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों को आप ये भी ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें कि जैसे कि यहाँ पे इसकी जो इंडिकेटर आएगा वो थोड़ा सा बता दें ज़रा। मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो अपना प्लग खोल के चेक कर लें कि उनकी इंजन की बाइक की क्या कंडीशन जा रही है। मैं अभी बताता हूँ, प्लग को हम लोग मोटरसाइकिल का दिल समझते हैं जी, ठीक है। आप प्लग निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मोटरसाइकिल की किस कंडीशन में है, इंजन खराब हुआ हुआ है या कार्बोरेटर खराब हुआ हुआ है या बिल्कुल सही कंडीशन में है। सही है। अगर इसके चिमनी के अंदर सही है रेडनेस होगी, लाल लाल सा होगा, कुछ काला नहीं होगा, सही है, तो आपका इंजन और कार्बोरेटर दोनों बेहतरीन हालत में है, ठीक है।
अगर ये काला है सही है तो आपको पता चले चलता है जी कि कोई मसला है। सही है, आपने देखना ये कि काला गीला है या काला खुश्क है। खुश्क है, सही। अगर गीला काला है तो आपकी गाड़ी तेल खा रही है, ठीक है, आपके इंजन का काम होने वाला है। सही है। अगर खुश्क काला है तो आपके कार्बोरेटर को मसला है, ठीक है, या उसकी एडजस्टमेंट हिल गई हुई है या कार्बोरेटर खराब हो गया, पेट्रोल एवरेज आपको सही नहीं मिल रही जी, इसके ये भी एवरेज सही नहीं होती आपकी, ठीक है। तो ये दोस्तों को प्लग ही आपको बताएगा आपकी बाइक की क्या कंडीशन है। एक और चीज़ भी हम आपको बता देते हैं जी, ठीक है, प्लग के ऊपर आप देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड प्लग है डीपी, सही है, डीपी 8EA, जो ये प्लग है इसमें डीपी आर भी लिखा हुआ है, सही है, ये स्टैंडर्ड में भी आता है आर का, ठीक है, हमारे पास वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आर का मतलब होता है कि प्लग में लगाया हुआ है इन्होंने रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर का ये फ़ायदा होता है कि जो इस वक्त सारी मोबाइल फ़ोन की, बिजली की, रेडियो की सारी वेव्स हवा में फैली हुई हैं वो स्पार्क को डिस्टर्ब नहीं होती उस, सही, जब है। स्पार्क डिस्टर्ब नहीं होता तो आपकी एवरेज जो है पेट्रोल की बेहतर होती है, सही, क्योंकि शोला सही बनता है, शोला सही जलाता है, ठीक। ये देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि अपनी बाइक को असरअंदाज करती हैं, बेहतर बनाती हैं। हाँ जी, तो ये ओरिजिनल चीज़ें लगाएं और अपनी बाइक को अच्छे तरीके से चलाएं, आपको ज़हनी परेशानी भी नहीं होगी जी, पेट्रोल बड़ा खांदी पड़ी है, महंगाई है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है। हाँ जी, तो ये चीज़ें लगाएं डाल के आपका पेट्रोल भी बचेगा, जिसका आपके जेब पे फर्क पड़ना। आप रेट बताते जाएं, इग्निशन कॉइल है जी, प्लग को जाके लगती है, सही है, ठीक है जी, वायरिंग आगे ये वायरिंग पे अटैच होगा, ठीक, आगे प्लग पे चला जाता है, सही है, और इसने आगे करंट देना है प्लग को, ठीक है, वायरिंग से करंट लेके आगे करंट को सही तरीके से चलाने के लिए ये जैनुइन होना बेहतर है, जरूरी है, सही है, ठीक है। ये 125 वाट मॉडल की है, 1600 रुपये की। ये इग्निशन है जी 70 वाट मॉडल, ठीक है, ये भी 1600 रुपये का। ये प्राइडर की है, ठीक है, ये 2000 की है, हमारे पास डीलक्स भी स्टॉक में पड़ी हुई है अभी, ये भी 2000 की है, सही हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है जी जो CDI यूनिट है, ठीक है, ये रेक्टिफायर है जी, इसमें 70 का भी रेक्टिफायर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये रेक्टिफायर है जी सिर्फ 150 का, ठीक है, ये 3000 रुपये का है, सही। ये 70 प्राइडर 125 डीलक्स ड्रीम 70 ड्रीम 125 ड्रीम, ठीक है, सब मॉडल्स में लगता है, सही है। ये 800 रुपये का रेक्टिफायर है, ठीक है। ये अब CDI यूनिट आ गया जी, ये 70 ओल्ड मॉडल का है, 1450 रुपये का, सही। ये 125 न्यू मॉडल का आ गया, 125 में अब यही आता है, ओल्ड मॉडल का अवेलेबल नहीं होता इसका, ठीक है। ये 1600 रुपये का है, सही हो गया। ये प्राइडर का है, ये 1650 रुपये का है, ठीक है जी। ये रेक्टिफायर है जी 125 सेल्फ वाले का, और 125 FC भी, 125 F में भी यही लगता है, ठीक है, और 125 सेल्फ वाले में भी यही लगता है, सही है। और ये 3000 रुपये का रेक्टिफायर है जी, ठीक हो गया जी। अब आपको प्लग कैप दिखाते हैं, ये जो अब एटलस से आ रही है, होंडा एटलस से आ रही है, ये वो है 350 रुपये की, ये मेड इन जापान जेन्युइन, ये 500 रुपये की है जी, ठीक है। ये मैग्नेट का गुच्छा है 125 सलफ, ठीक है, और CB 125 F का, सही है, ये 7200 का है जी, ठीक है। फिर आपको हम दिखाते हैं जी मैग्नेट 70 का, सही है, 70 का मैग्नेट 4100 रुपये का है जी, सही है। ये मुकम्मल पैक है, हम इसको खो नहीं सकते। हाँ, क्योंकि कस्टमर जो है, इसकी प्लेट अलग होती है, सही है, प्लेट 320 रुपये की, 320 रुपये, हाँ जी, ठीक है। और ये प्राइडर का गुच्छा है जी, इसकी प्लेट लगी हुई है साथ, ठीक है, मुकम्मल है, ये सेट है, मुकम्मल है, 5900, ये 5900 रुपये का, सही हो गया। उसके बाद ये मैग्नेट के गुच्छे, मैग्नेट की सीलें हैं, ये मैग्नेट के छल्ले, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? ये 120 रुपये का है जी, ये मेड इन जापान है जी, अच्छा, ये जापानी है, ठीक। कौन सी बाइक लगेगा? 70 और 125 दोनों के, 125 का है, ठीक है, ये 70 का है जी, सही हो गया। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़।